रेल मंत्रालय ने 1 जून से शुरू होने वाली 200 स्पेशल ट्रेन की सूची बुधवार रात को जारी कर दी। टिकट बुक कराने की गाइडलाइन भी तय कर दी गई हैं। अब 30 दिन पहले टिकट बुक हो सकेंगे। रेल मंत्रालय ने 1 जून से देश भर में 200 ट्रेन शुरू करने की घोषणा की थी। रेलवे के मुताबिक एसी और नॉन एसी दोनों तरह की ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी। वहीं जनरल कोच में बैठने के लिए भी आरक्षित सीटें दी जाएंगी। ट्रेन में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा, इसका किराया सामान्य होगा। जनरल कोच के लिए आरक्षित होने के कारण इसका किराया सेकंड सीटिंग का लिया जाएगा। सभी यात्रियों को सीट भी दी जाएगी। इसके लिए टिकट बुकिंग गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। आइए जानते हैं रेलवे ने टिकट और चार्टिंग की बुकिंग के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन ई टिकटिंग IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी। किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर पर कोई टिकट बुक नहीं किया जाएगा। एजेंट्स के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडवांस टिकट बुकिंग अधिकतम 30 दिन पहले होगी। RC और वेटिंग लिस्ट को मौजूदा नियमों के अनुसार जारी किया जाएगा। हालांकि वेटिंग लिस्ट धारकों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई अनरिसीव्ड टिकट जारी नहीं किया जाएगा। कोई भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। पहले चार्ट को निर्धारित समय से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। दूसरे चार्ट को निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। वहीं पहले और दूसरे चार्ट की तैयारी के बीच केवल ऑनलाइन करंट बुकिंग की अनुमति होगी। सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। यात्रियों को कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल मानना होगा। सभी कोटों को इन स्पेशल ट्रेनों में अनुमति दी जाएगी, जैसे नियमित ट्रेनों में अनुमति दी जाती है। इसके लिए सीमित संख्या में टिकट काउंटर संचालित किए जाएंगे। किसी भी खानपान शुल्क को किराए में शामिल नहीं किया जाएगा।